हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके स्टार टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, कई बार आप अपनी फ़ोटो पिक्चर है जो वो लेते हैं और इंस्टाग्राम पे यहाँ पे पोस्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जो अपनी पिक्चर होती है वो यहाँ पे पूरी फुल साइज़ के अंदर पोस्ट नहीं होता हो पाती फ्रेंड्स। कभी आपके यहाँ पे पैर यहाँ पे कट जाते हैं या फिर आपका सिर यहाँ पे कट जाता है, पोस्ट के अंदर आप पूरी पोस्ट नहीं कर पाते और आपको यहाँ पे फ़ोटो को थोड़ा क्रॉप करके पोस्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो को पूरी को पोस्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वीडियो को देखिए, पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, किस तरह की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं अपना यहाँ इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ जिसको मैं पोस्ट करना चाहता हूँ। ये देखिए, अक्षय कुमार जी की यहाँ पे फ़ोटो, ये देखिए यहाँ पे फुल साइज़ में ये फ़ोटो नहीं आ पा रही है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे, अब देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ तो यहाँ पे फेस आ रहा है, पैर नहीं आ रहे पूरे। इस तरह से करता हूँ तो यहाँ पे पैर आ रहे, तो फेस यहाँ पे कट रहा है फ्रेंड्स। अगर आप इस फोटो को यहाँ पे पूरी को पोस्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूरा देखिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए फ्रेंड्स। तो करना क्या फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपने प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है, एक फ़ोटो एडिटर ऐप है फ्रेंड्स, जिसका नाम आपने शायद सुना भी होगा, यहाँ पर स्नैप स्पीड नाम से है। तो आपको वहाँ पर ये ऐप है, यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है फ्रेंड्स। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल भी कर लेना है और आपको इसको ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। ओपन करने के बाद देखिए, प्लस का जो आइकन है वहाँ क्लिक करके आपको जो फ़ोटो पोस्ट करनी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेनी है फ्रेंड्स। जैसे कि मेरे को यहाँ पे ये वाली फ़ोटो पोस्ट करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये फुल साइज़ में मेरे को यहाँ पर पोस्ट करनी है। तो अब आपको यहाँ पर जो टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और इसके अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सपेंड का फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे एक्सपेंड के ऊपर क्लिक कर देना है और जो स्मार्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको उसको स्मार्ट ही रहने देना है फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है, सॉरी फ्रेंड्स, आपको टूल्स में जाना है वापस से, स्पेंड पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो इसको स्मार्ट पे रहने देना है। अब आपको इस फोटो को जो है यहाँ पे देखिए, आपको इसको जूम करना है इस तरह से फ्रेंड्स। ये देखिए, आपको जैसे ही जूम करोगे आपकी फ़ोटो की जो साइज़ है वो यहाँ पे बड़ी हो जाएगी फ्रेंड्स। ये देखिए, और ये ऑटोमेटिक खुद ही क्लीन हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी फ़ोटो की जो साइज़ है यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो चुकी है। आप जिस तरह से जितना भी इसको एडजस्ट करना चाहे कर लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इसको सेव कर देना है फ्रेंड्स। ओके, और जो नीचे तीसरा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स और सेव पे क्लिक कर देना है। देखिए, मेरी यहाँ फ़ोटो ये सेव हो चुकी है फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे वापस चले जाना है, जो आपको यहाँ पे फ़ोटो अपनी पोस्ट करनी है। देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए मैं भी अब आ चुका हूँ। अब देखिए, मैंने जो अभी यहाँ पे फ़ोटो को यहाँ पे एडिट किया था, ये फ़ोटो मेरी आ चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने पहले जो मेरी फ़ोटो थी उसके अंदर यहाँ पे मेरे कभी सिर या फिर कभी पैर यहाँ पे कट रहे थे। अब जब मैंने यहाँ फ़ोटो एडिट करके अब पोस्ट करना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स, तो देखिए ये मेरी फ़ोटो यहाँ पे फुल साइज़ के अंदर यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके, यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करके इसको अपलोड कर सकता हूँ फ्रेंड, पोस्ट कर सकता हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स, आप अपनी कोई भी फ़ोटो जो आपके यहाँ पर एडिट ना हो रही हो, मतलब पूरी यहाँ पे पोस्ट ना हो पा रही हो, उसको इस तरह से आप एडिट करके एक स्नैप स्पीड की सहायता से एडिट करके इसको आप फुल साइज़ के अंदर पोस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।